Welcome all my students of PTC 1064. Now I will teach you about management as profession. At first I will tell you what is management. Management is getting thing done by the people. Art of getting thing. मतलब आदमी का संभालने के तरीका. Management is referred as a profession. Why? क्यों मैनेजमेंट का प्रोफेशन के साथ कंपेयर किया जाता है? प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन का पहले एग्जांपल हम तुम लोग को बोलेगा कौन है? डॉक्टर्स, वकील, ये लोग प्रोफेशन का रिलेटेड है. प्रोफेशन में जब कोई आता है तब उसको कोई जिसके बारे जिस प्रोफेशन में वो आएगा उस प्रोफेशन के ऊपर उसको स्पेशल नॉलेज रहेगा, इसलिए तब उस काम में सफल हो सकते, उसका सफल रहेगा. मतलब उसका स्पेशल नॉलेज, उस काम के बारे में स्पेशल नॉलेज रहेगा और इस काम के आने के जब उसका स्पेशल नॉलेज कैसे आएगा ना, उसका उसके बारे में पढ़ाई लिखाई करने पड़ेगा, उसके बाद उसको एग्ज़ाम देने पड़ेगा, उसी से सर्टिफिकेट उसको मिलना चाहिए, तब उसके बारे में उस एनेबल कैपेबल हो उसके बारे में उसको सर्टिफिकेट तब मिलेगा, तब उस काम करने में सक्षम होगा. और क्या है उसके साथ साथ प्रोफेशन लोग को जिसके बारे में प्रोफेशन की पढ़ाई लिखाई किया उसके बारे में उसको क्या ना उसके बारे में उसको प्रैक्टिकल यूज़ हो कर सकते. एक तो डॉक्टर की पढ़ाई लिखाई किया लेकिन प्रैक्टिकल में कोई पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं कर सकता है तब उसको कोई वैल्यू नहीं है. मतलब प्रोफेशन लोग को एप्लीकेशन इन प्रैक्टिकल फील्ड में करने पड़ेगा और उसको कुछ मॉरालिटी उसका एथिक्स उसको बनना चाहिए. कैसा ना डॉक्टर्स को जैसा पेशेंट का देखना चाहिए, पेशेंट का देखभाल करना चाहिए, ऐसा कुछ नेसेसरी एथिक्स उसको मानना चाहिए. समाज के प्रति उसका कर्तव्य रहेगा, दायित्व रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सोसाइटी उसका रहेगा. और क्या रहेगा उस डिस्चार्जिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी द मतलब ना उसको जो प्रोफेशन पे आया उसको प्रोफेशन के ऊपर उसका एक दायित्व है. कोई मॉरलिटी मेंटेन उसको करने पड़ता है, उसको जो काम जो होगा उसको एक अच्छा वे में होगा, ये सब उसको देखना चाहिए प्रोफेशन पे. मैनेजमेंट को प्रोफेशन के साथ क्यों कंपेयर किया जाता है? मैनेजमेंट तो इस देखा जाता है सेम टाइम मैनेजमेंट के प्रोफेशन के दिस कॉन्सेप्ट क्या क्या कॉन्सेप्ट ना स्पेशल नॉलेज, सक्सेसफुल एंड स्पेशल एग्जामिनेशन, एप्लीकेशन इन प्रैक्टिकल फील्ड और कि नेसेसरी ऑफ एथिक्स, रिप्रेजेंटेटिव सोसाइटी और डिस्चार्जिंग ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब मैनेजमेंट को भी मानने पड़ता है. इसलिए मैनेजमेंट के प्रोफेशन के साथ उसको कंपेयर किया जाता है. प्रोफेशन में क्या होता है ना, प्रोफेशन में जब आएगा तब तक तुम्हारा उस जो टॉपिक्स के ऊपर तुम प्रोफेशन में आएगा उस टॉपिक्स के ऊपर पहले तुमको पढ़ाई लिखाई करके उसे एग्ज़ाम दे के उसी से सफलता मिलना चाहिए. अभी मैनेजमेंट में देखो जो मैनेजमेंट में आएगा मैनेजमेंट के मैनेजर बनता है व मैनेजमेंट के हाई अथॉरिटी बनता है उस लोग को ना MBA वगैरह वगैरह कोर्स करने पर के आता है उस लोग को, इसलिए स्पेशल फील्ड में पढ़ाई लिखाई करने पड़ता है. पढ़ाई लिखाई करने के बाद उसके बारे में उसको परीक्षा देने पड़ता है. परीक्षा देने के बाद उसे सर्टिफिकेट मिलेगा तब वो उस काम में ज्वाइन करने के लिए सक्षम होगा. इसलिए मैनेजमेंट को प्रोफेशंस के साथ कंपेयर किया जाता है. प्रोफेशन मीन्स ऑक्यूपेशनल सर्विस फ्रॉम विच ए मैन कैन अर्न हिज लिविंग. फॉर एग्जाम्पल प्रैक्टिस ऑफ डॉक्टर, लॉयर, टीचर, टीचिंग ऑफ ए टीचर. सो द डेफिनेशन of a profession man, profession is such type of work for which specialized skill and training is essential and the use of this efficiency is not for self-satisfaction but it can be used for the larger interest of the society and its success of skill cannot be measured only the monetary standard. আরেকবার কিন্তু আমি রিপিট করছি এই টার্মটা, এটা কিন্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট. তোমাদের এখান থেকে শর্ট কোশ্চেনও বলতে পারে হোয়াট ইজ প্রফেশন, এই লাইনটা তোমরা স্টেপ বলে দেবে. আমি তো তোমাদের কিন্তু আমি আবার রিপিট করে বলছি, প্রফেশন ইজ সাচ টাইপ অফ ওয়ার্ক ফর হুইচ স্পেশালাইজড স্কিল অ্যান্ড ট্রেনিং ইজ এসেনশিয়াল. স্পেশালাইজড স্কিল অ্যান্ড ট্রেনিং ইজ এসেনশিয়াল অ্যান্ড
द यूज़ ऑफ दिस एफिशिएंसी इज़ नॉट फॉर सेल्फ सेटिस्फेक्शन, ये जो एफिशिएंसी उसको ट्रेनिंग करके मिला उसको पर्सनल सेटिस्फेक्शन के नहीं लिए नहीं है, बट इट कैन बी यूज्ड फॉर लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। उसको किस कहाँ पर यूज़ करेगा, सोसाइटी के भलाई के लिए और इसको यूज़ करेगा। एंड द सक्सेस ऑफ स्किल कैन नॉट बी मेजर्ड ओनली द मनीटरी स्टैंडर्ड। डॉक्टर जो पेशेंट को ट्रीटमेंट करता है, हम लोग कभी देखता है उसे मनी में कन्वर्ट करता है, लेकिन बहुत डॉक्टर है उसको जो सर्विस देता है ना वो मनी में कन्वर्ट नहीं करता है। मनी में पेशेंट को जो मन चाहे दो, और डॉक्टर हम लोग के लिए भगवान बहुत टाइम हो जाता है, क्योंकि ना तो जैसा हमको ट्रीटमेंट करता है तो बहुत भगवान की तरह है। इसलिए बोला जाता है प्रोफेशन के वैल्यू को ना मनीटरी ट्रांजैक्शन के साथ बहुत टाइम कंपेयर किया नहीं जाता है। तो देखो बिजनेस तुम्हारा मैनेजमेंट के क्षेत्र स्पेशल नॉलेज दरकार लगे, एक जरा मैनेजर बा एक पोस्टे आसछे तादेर एकटा परीक्षा दिए तादेर आसते होच्छे, मैनेजमेंटे कोर्स करे तादेर सेई परीक्षा दीते होच्छे, सेखान थेके तादेर साफल्य पेते होच्छे एबं तारा सेखाने जेगुलो शिखे एसेछे सेई शेखागुलोके तारा किन्तु प्रैक्टिकल काजे तारा प्रैक्टिकल क्षेत्रे तादेर कर्मक्षेत्रे तारा सेगुलो प्रयोग करते पारबे, प्रयोग करबे। সেটাকে বলে অ্যাপ্লিকেশন ইন প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ড, সেই বাস্তব ক্ষেত্রে তারা প্রয়োগ করে। তারা শিখে এলো খালি, শিখে এসে কিছুই করতে পারলো না, সে ব্যবহারই করলো না, তাহলে কিন্তু কোনো লাভ নেই সেই পরীক্ষা, কিন্তু তাদের সেটাই বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হবে। তারপরে তাদের কিছু নীতি সেখানে যেগুলো শিখে এসছে, যে নীতিগুলো বিভিন্ন নীতিগুলো ডাক্তারদের ক্ষেত্রে যেমন নীতি থাকে, উকিলের ক্ষেত্রে একরকম নীতি থাকে, ম্যানেজমেন্টের এক একটা ম্যানেজমেন্টের বিভিন্ন পার্ট হচ্ছে, সেই ম্যানেজমেন্টের এক একটা পার্টে এক এক রকম নীতি থাকে। এই সমস্ত নীতিগুলো মানতে হচ্ছে তাদের, যে নেসেসারি অফ এথিক্স। তারপর রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ সোসাইটি, একজন প্রফেশনে যে লোক থাকে প্রফেশনালিস্ট, সে কিন্তু সমাজের একজন মানে রিপ্রেজেন্টেটিভ, সমাজকে সে কিন্তু স্থাপিত করছে, উপস্থাপিত করছে, সমাজের একটা অংশকে উপস্থাপিত করছে। একজন ডক্টর সমস্ত ডক্টরের প্রতিনিধিত্ব করছে, সেটা কিন্তু তাকে কিন্তু মাথায় রাখতে হবে। এই ম্যানেজমেন্টের সে কিন্তু সমস্ত ম্যানেজমেন্টের সে প্রতিনিধিত্ব করছে, ইসকে উসকো দিমাগ মে রাখনা চাহিয়ে, আর উসকো সমাজকে প্রতি উসকো হচ্ছে কর্তব্য হয়, দায়িত্ব হয়। এই জন্য ডিসচার্জিং অফ সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি, ডিসচার্জিং অফ সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট নাও দিস। ডিসচার্জিং ও সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি এটার ব্যাপারে তোমাদের একটু বুঝিয়ে দিই। কী হচ্ছে না, এভরি মেম্বার অফ দ্য প্রফেশনাল শুড বি অ্যালার্ট অ্যাবাউট দ্য ডিসচার্জ অফ সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি। প্রফেশনাল ম্যানেজার অর অ্যাডভাইজার শুড পারফর্ম সোশ্যাল সার্ভিস, দে আর রিকোয়ার্ড টু টেক আপ সাম রেমুনারেশন ফ্রম দিস। দিয়ার সাকসেস অর ফেলিওর ক্যান নট বি মেজার্ড ইন মনিটারি স্ট্যান্ডার্ড উইচ এভার দে গট ফ্রম দ্য সাপ্লাইং সোশ্যাল সার্ভিস। Their contribution to the social welfare is only considered. So, discharge of social responsibility when invariably comes. সাধারণত আমরা টাকা দিয়েতে আমরা সেটাকে মেজার করলেও তা সত্ত্বেও আমরা বলতে পারি তার দায়িত্বের উপর একজন ম্যানেজার বা প্রফেশনের সাথে রিলেটেড যারা থাকে না তাদের কর্তব্য সম্পাদনের উপর প্রতিষ্ঠানের সাফল্য কিন্তু নির্ভর করে। সেই জন্য আমরা মাঝে মাঝেই বলি দায়িত্ব কর্তব্য যাই হোক না তার করছে পালন করছে, সেটা কিন্তু তার সামাজিক দায়িত্ব পালনের একটা কিন্তু অঙ্গ। ওকে।